इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आगरा एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अभियुक्तों से फर्जी मार्कशीट तैयार कराने का सामान भी बरामद हुआ है। अभियुक्त विश्वविद्यालय, हाईस्कूल, इंटर, सीबीएसई की फर्जी मार्कशीट बनाते थे और छात्रों से फर्जी मार्कशीट पर मोहर लगाकर हजारों रुपए की वसूलते थे। एसटीएफ ने घेराबंदी कर जाल बिछाकर आगरा विश्वविद्यालय के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर हाईस्कूल, इंटर और सीबीएसई की फर्जी मार्कशीट बरामद हुई है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता उमेश शर्मा के साथ। उमेश, आगरा एसटीएफ ने कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या था पूरा प्रकरण? देखिए, ये अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। एसटीएफ आगरा इकाई के हत्थे चढ़े हैं। ये 4 यूनिवर्सिटी के आसपास ही ये पकड़े गए हैं। ये बताया गया है कि ये विभिन्न विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्ड के फर्जी अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रहे थे। इसके चलते ये शिकायत मिल रही थी कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और इसके जो भी स्टूडेंट हैं वो शिकार हो रहे हैं, उनको पैसे लेकर के इस तरह की मार्कशीट बनाई जा रही है। तो जिस तरीके से ये मार्कशीट बनाई जा रही थी, उनको मशीन, कंप्यूटर, सभी सिस्टम से ये काम चल रहा था। इनका एक मिनी यूनिवर्सिटी बना रखा था इन्होंने। तो यहाँ एसटीएफ इकाई को आगरा शिकायत मिली, तो यहाँ पर ये 4 यहाँ पर जो छात्र हैं, अंतर्राज्यीय सदस्य हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से यहाँ पर अंक तालिकाएँ बनी हुई और प्लेन अंक तालिकाएँ और नकदी भी बरामद हुई है। जो हत्थे चढ़े हैं पुलिस के, नेकराम, मोहित, अर्जुन, पंकज, ये बहुत ही छात्र किस्म के बताए गए हैं। ये बहुत ही मास्टर माइंड हैं और ये आगरा के अलावा बाहर भी यूनिवर्सिटी है, उनका भी ये प्रमाण पत्र अंक तालिका बना करके और छात्राओं को गुमराह कर रहे थे। तो इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये गैंग चल रहा है तो इसके नेटवर्क काफ़ी बड़ा बताया गया है। एसटीएफ ने इनको जानकारी हासिल कर रही है और जो फरार चल रहे हैं, इनके गैंग के साथी हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी उमेश, गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो क्या इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं और ये लोग कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे? देखिए, जिस तरीके से इनका जो गैंग था वो जिस यूनिवर्सिटी के आसपास और स्कूलों, कॉलेजों के आसपास जिस तरीके से ये लोगों को देखते थे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो परेशान घूमते थे पास होने को लेकर के। जो कमज़ोर वर्ग हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो लोग इनके शिकार हो रहे थे। ऐसे लोगों की मार्कशीट बना रहे थे और जिस तरीके से इन लोगों के पास से जो बनी हुई मार्कशीट और वो बनी अधबनी जो मार्कशीट मिली है, वो मशीन मिली है और भी इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, उसको लेकर के काफ़ी इनका डाटा भी मिला है। उससे ही पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। आगरा के अलावा और भी अन्य स्थानों पर, अन्य जिलों पर भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनसे जानकारी की जा रही है कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उसमें हो सकता है कुछ शिक्षा माफिया भी हो सकते हैं जो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। जैसा कि आपको बता दें कि आगरा एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभियुक्तों से फर्जी मार्कशीट तैयार कराने का सामान बरामद हुआ है। अभियुक्त विश्वविद्यालय, हाईस्कूल, इंटर, सीबीएसई की फर्जी मार्कशीट बनाते थे और छात्रों से फर्जी मार्कशीट पर मोहर लगाकर हजारों रुपए भी वसूलते थे। एसटीएफ ने घेराबंदी कर जाल बिछाकर आगरा विश्वविद्यालय के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।